हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। चीन का खतरा सरहद के भीतर तक पहुंच चुका है। एक चीनी जासूस की कारस्तानी का बड़ा खुलासा हुआ। क्या चार्ली पेंग की कहानी है, आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। चार्ली पेंग भारत में मौजूद निर्वासित तिब्बती सरकार के मुखिया दलाई लामा के पीछे छोड़ गया चीनी जासूस। वो जासूस जो सिर्फ भारत को बदनाम करने की साजिश ही नहीं रच रहा था, बल्कि इसके साथ ही देश की सरकार को 1,000 करोड़ का चूना भी लगा रहा था। चार्ली पेंग के खिलाफ आयकर विभाग ने 2 दिन पहले छापेमारी की थी और आयकर विभाग का दावा है कि छापेमारी के दौरान लगभग 1,000 करोड़ रुपए की हवाला घोटाले का पता चला है। सूत्रों के मुताबिक चार्ली ने पूछताछ के दौरान बताया कि उसकी मां ने पहली शादी चीन के तिब्बत शहर में रहने वाले एक शख्स से की थी और जब चार्ली केवल 8 महीने का था तब उसकी मां ने दूसरी शादी चीन में रहने वाले ली पेंग से कर ली थी और इसके बाद उसकी मां चीन के झिनाशु शहर में जाकर बस गई थी, जहां चार्ली का दूसरा पिता ऑटो स्पेयर पार्ट्स का काम करता था। अब जरा ध्यान से देखिए खुफिया एजेंसियों के इस दस्तावेज को जिसमें चार्ली की असलियत लिखी हुई है। असली नाम है लुओ सैंग, पुत्र थुंगसा, निवासी 54/302 जेफंग रोड, बैक्सियांग, नानकिंग, जियांसु, चीन। अब ये भी जान लीजिए कि चार्ली ने अपने फर्जी नाम से मणिपुर से जो फर्जी पासपोर्ट बनाया, पासपोर्ट पर मां का नाम ड्रोमा पेंग, मणिपुर पासपोर्ट ऑफिस की फाइल नंबर GU 40 62 65 74 90 618। ये पासपोर्ट 30 सितंबर 2028 को समाप्त होना था। जांच एजेंसी के एक आला अधिकारी ने बताया कि चार्ली ने दिल्ली से भी अपना फर्जी पासपोर्ट बनवाने की कोशिश की थी, लेकिन दिल्ली में उसका पासपोर्ट फॉर्म ही कैंसिल कर दिया गया था। इसके बाद चार्ली ने अपने ऑफिस में आने वाली एक मिजो लड़की से शादी कर ली और मणिपुर से अपना फर्जी पासपोर्ट बनवाया। इसके बाद चार्ली रहस्यमय तरीके से 6 तिब्बतियों के साथ काठमांडू पहुंच गया और काठमांडू में गुलेन मॉनेस्ट्री में रहने लगा। चार्ली ने अपने बयान में कहा कि वह साल 2009 से साल 2014 तक नेपाल की मॉनेस्ट्री में रहा। चार्ली के मुताबिक इसके बाद वो काठमांडू से दिल्ली आ गया और काठमांडू की नेपाली मॉनेस्ट्री से उसने अपने लिए जो कागज बनवाए थे उसी के आधार पर मजनू के टीला के पास रहने लगा। इसके बाद चार्ली दक्षिण भारत के लामाओं के नूडल्स बेचने लगा। चार्ली के बयानों के मुताबिक उसके बाद उसने सुनहरा बर्ड प्राइवेट लिमिटेड के नाम से एक कंपनी गुड़गांव में खोली और इस कंपनी के जरिए वो हवाला का काम करने लगा।